मनुष्य अपने जीवन शैली को अपने किसी न किसी विचारधारा और अपनी मानसिक पृष्ठभूमि के आधार पर ही संचालित रखता है। मतलब जैसी हमारी सोच होती है उसी तरह से हम अपने जीवन की पद्धति को जीना शुरू करते हैं। कोई अच्छा व्यक्ति है या बुरा व्यक्ति है, उसके मन से ही पता लगता है कि उसके कर्म किधर जाएंगे। इसलिए व्यक्ति को या किसी भीड़ में क्रांति करने की आवश्यकता नहीं होती। सबसे बड़ी आवश्यकता होती है वैचारिक क्रांति की। विचारों की क्रांति जब होती है तो वो सबसे बड़ी क्रांति होती है। तो इसलिए हम यहां जब बैठे हैं तो थोड़ी देर के लिए चिंतन करें कि हम अपने जीवन को किस दिशा में किस ओर ले जाना चाहते हैं। मैं अपनी बात को शुरू करना चाहता हूं, लेकिन जैसे मेरी अपनी परंपरा रहती है, मैं वेद, उपनिषद, गीता, फिर रामायण आदि समस्त ग्रंथों को आधार मानकर अपनी बात को अधिकांश रूप से आप तक पहुंचाता हूं। तो सबसे पहले एक इसी संदर्भ से जुड़ा हुआ संदेश, वेद का संदेश देता हूं, जिसमें यह कहा गया है, यत्ते नवीय उक्तम अस्ति यज्ञ जनयत। जो जीवन का नवीन कथन हो सकता है, जो तुम अपने जीवन का नए से नया संदेश देना चाहते हो इस धरती को, यज्ञ जनयश्चता, वो यज्ञ के द्वारा प्रकट करो। मतलब शुभ कर्मों के द्वारा अपना संदेश दुनिया को देने की कोशिश करो। जो तुम नए से नई चीज दुनिया को देना चाहते हो, उसे तुम अपना जो बेस्ट हो सकता है उसके माध्यम से प्रकट करने की कोशिश करो। मतलब ये हुआ कि हर दिन नया करने की चेष्टा आपकी होनी चाहिए और शुभ करने की चेष्टा होनी चाहिए। जब तक आप नए बने रहेंगे और नया करते हुए कुछ शुभ करते रहेंगे, तब तक आपका जीवन विकास की ओर जा रहा है, तब तक आपका जीवन मंगल और आनंद की ओर जा रहा है। जैसे आप अपने जीवन की नवीनता को छोड़ने लगते हैं और पुराने पड़ने लग जाते हैं, उदास, निराश, हताश होकर हताशा की बातें करने लगते हैं, तो उसका प्रभाव आपके समस्त कोशिकाओं पर, सेल्स पर पड़ता है। जो चीजें आपको आगे बढ़ा रही थी, वही सब चीजें आपको नीचे गिराना, बीमार करना, आपकी शक्ति को तोड़ना और आपको घटाने का कार्य करना शुरू कर देती हैं। जिस दिन आपका मन निराशा से भरा, जैसे आप देखते हैं कि पेड़ों के पीले पत्ते जैसे जैसे होने शुरू होते हैं तो कमजोर भी होने लग जाते हैं। जो हवा उन पत्तों को आनंदित करती थी, अब वही उसे डराती है। पत्ते हिलते हैं, उखड़ते हैं और टूटकर नीचे गिरते हैं। जैसे ही आपके अंदर निराशा, हताशा, भय, चिंता अपना प्रभाव लगाने लगती है,
आपकी कोशिकाओं पर असर पड़ता है, आपकी जीवनी शक्ति पर असर पड़ता है और आप अपने मूल से उखड़ने लगते हैं। इसलिए सबसे पहले यह ध्यान रखिए कि यदि आप अपने आप को नया जीवन देना चाहते हैं और भरपूर जीवन जीना चाहते हैं तो अपने को नया कर कीजिए। नया करने का मतलब यह नहीं कि अब तो हमारी उम्र 70-75 साल की होगी, अब क्या नए होंगे। उम्र कोई भी हो सकती है, आप नए रह सकते हैं। कोई पेड़ 500 साल पुराना हो तो भी नया होता है, अगर वो हरा भरा है तो। अगर आप हरे भरे हैं तो उम्र कितनी भी हो तो आप खिले हुए हैं। इसलिए इस बात को नहीं सोचिए कि आपकी उम्र हो गई है। उम्र का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं आश्चर्य करता हूं कि दुनिया के बड़े से बड़े वे लोग जिन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दिया, उनकी उम्र बहुत हो चुकी थी। मतलब वे लोग जिन्होंने 90 वर्ष की आयु में काम किया, 90 वर्ष की आयु में दुनिया को बहुत कुछ दिया। अगर आप ऐसे लोगों का उदाहरण देखें तो आपको आश्चर्य लगेगा कि एक पेंटर अपने जीवन के 90वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है और दुनिया की सबसे बेहतरीन कलाकृति उस समय रचता है। लियोनार्डो विंची, उसके जीवन का वह चरम आप देखिए कि जिस समय उसका शरीर बूढ़ा हो रहा था, उसकी कला बूढ़ी नहीं हो रही थी, कला जवान थी, उसके कार्य जवान थे। गेटे जर्मन कवि हुआ, अपने जीवन के अंतिम चरण में जाकर 80 वर्ष की आयु में जाकर उसने अपना महाकाव्य प्रकाशित हुआ और वो दुनिया में प्रसिद्ध हुआ। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। केवल यह कहना चाहता हूं कि ये नहीं मान लीजिए कि आप बूढ़े हो गए हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि अब क्या हरे भरे रहेंगे, अब क्या जीवन के अंदर कुछ नया हो सकता है। तो नया वर्ष शुभारंभ हो, 2015 आए। मैं चाहता हूं 2015 की जैसे मैंने हर बार जब भी यहां आया हूं, जो वर्ष रहा है मैं उस वर्ष के अनुसार ही 2011 में 11 बातें आपको सुनाई थी, 2010 में 10-10 बातें रोज सुनाई थी, तो 2014 की भी आपको सुना चुके हैं। अब 2015 की 15-15 वो चीजें जो हर वर्ष का संदेश हमारे लिए हो सकता है। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखिए कि ये युग परिवर्तन का युग है, नए युग का सूत्रपात इस समय हो रहा है। पूरी दुनिया में आप बहुत बड़ी हलचल देख रहे हैं इस समय में। आपको दिखाई देता है विकास भी हो रहा है, विध्वंस भी हो रहा है। पुराने पीले पत्ते झड़ रहे हैं, कुछ नई संस्कृति, नई सभ्यता, नई परंपराएं जन्म ले रही हैं। और भारतवर्ष तो एकदम युवा देश है और यहां बहुत सारी नवीन परंपराएं जन्म ले रही हैं। बहुत अच्छा बेहतर परिवर्तन सामने आ रहा है और मैं ये कह सकता हूं कि आने वाला समय जो है वो भारतवर्ष का होगा। पूरे विश्व में भारतवर्ष अपने महान गौरव तक पहुंचेगा, ऐसी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि नए युग की शुरुआत हो, सूत्रपात हो, तो इससे हमें यह पता लगता है कि यह परिवर्तन का युग है, बदलने का युग है। हवाएं बदल रही हैं, ऋतुएं बदल रही हैं, मौसम बदल रहा है, तो हमें भी बदलना होगा।
बदलना होगा जिस प्रकार से पुराने पीले पत्ते झड़कर नीचे गिर जाते हैं, नई कोंपलें फूटती हैं, वसंत ऋतु का आगमन होता है, तो क्या हमारे जीवन में भी कोई वसंत आता है या हम उसे लाने की तैयारी करते हैं? नया वर्ष अगर हम लोग मनाने की तैयारी कर रहे हैं तो नया वर्ष कैसे आ जाएगा? दिन 31वां, तारीख 31वीं समाप्त हुई और उसी के साथ पहली जनवरी शुरू हो गई, हमने मान लिया नया वर्ष शुरू हो गया। नहीं, जब तक आपके अंदर से नए अंकुर नहीं फूटेंगे, जड़ों के अंदर ही परिवर्तन आना शुरू हो जाना चाहिए, मूल से ही परिवर्तन आना शुरू होना चाहिए। आपके प्राण नए हो, आपका मन नया होना शुरू करे, मतलब बदलाव के लिए तैयार हो जाइए। सीधी सी बात यह, पुराने को छोड़ दिए। पुराने से मतलब है वो जो नहीं रखने योग्य है, जो त्यागने योग्य है, उसे त्यागना शुरू कर दीजिए। तो क्या त्यागा जा सकता है, आप उस पर विचार कीजिए। कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो आप अपने जीवन में नहीं पसंद करते, तो उन्हें त्यागने की कोशिश कीजिए। जब तक आप उसे त्यागेंगे नहीं तो नया मिलेगा नहीं। तो परिवर्तन का युग है, तो पहले परिवर्तन के लिए तैयार हो जाइए। सीधा सा मतलब ये हो गया कि अंधेरा और प्रकाश दोनों साथ नहीं रहेंगे, बदबू और खुशबू दोनों साथ साथ नहीं रहेंगे। आपको एक को तो हटाना ही होगा। अपनी निराशा को त्यागेंगे तो ही आशा मिलेगी, आप वियोग को छोड़ेंगे तो ही संयोग होगा, आप देंगे तो लेंगे भी सही, तो जाएंगे तो आएंगे भी सही। आपको एक चीज तो करनी होगी। तो क्या क्या छोड़ने को आप तैयार हैं? मैं थोड़ी सहायता कर सकता हूं आपकी, ये बता सकता हूं कि अगर आपके पास आलस्य है तो आज से उसको छोड़ दीजिए। ढूंढ लीजिए आप कितने आलस्य करते हैं और किस चीज के लिए आप लापरवाह हैं, उसे छोड़ दीजिए। और कितने आप दीर्घसूत्री हैं, किसी चीज को लंबा करते जाते हैं, नहीं हो जाएगा, देख लेंगे, कर लेंगे, आज नहीं तो कल, अपने आप सब हो जाता है ना, भगवान करते हैं। आदमी ऐसा ठप्पा लगाता है अपने ऊपर, भगवान करेंगे सब अपने आप हो जाता है, हमारे करने से ना कभी कुछ हुआ ना कभी होने वाला, ऐसा कहकर अपने आप को परमानेंट आलसी बना लेते हैं। तो ऐसे फर्मे आप जो आपने फ्रेम बना रखे हैं जिसमें आप अपनी जिंदगी कस लेते हैं, आज उसको छोड़ दीजिए और तैयार हो जाइए परिवर्तन के लिए। आज से आप कोशिश करेंगे जीतना। सबसे पहले बिस्तर में जीतना शुरू कीजिए। बिस्तर से जीतने का मतलब होता है जब आपकी रजाई कंबल आपको जकड़े रहता है, उठेंगे अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, मौसम अच्छा है, ठंडा ठंडा है, और बाहर पता नहीं सर्दी कितनी है, फिर आप सर्दी का तापमान ढूंढने की कोशिश करते हैं, पता लग जाए बाहर कितनी ठंड है, फिर वैसा ही अपना मन भी बना लेते हैं, कपड़े भी तो पहनने हैं ना, वैसे गर्म कपड़े आप तैयार करेंगे, नहीं अभी सो जाते हैं। तो वो सारे बहाने जो आपका मन, सबसे बड़ा बहानेबाज आपका मन है। तो सबसे पहले बिस्तर से जीतना शुरू कीजिए। अलार्म घड़ी में बजे उससे पहले आपके मन में बजना चाहिए, और उससे भी ज़्यादा जरूरी ये चीज़ है कि जब आप अपनी एक आदत बना लेते हैं उठने जागने की, सोने की, आदतें जब जीतने लग जाती हैं, शुभ आदतें, अच्छा स्वभाव जब जीतने लगता है, तो जिंदगी जीतनी शुरू हो जाती है, यह याद रख लीजिए। क्योंकि पहले आप अपनी आदतें बनाते हैं, फिर आदतें आपकी जिंदगी बनाती है। तो आगे चलकर हम इस चीज को सीखेंगे और समझेंगे, जहां मैं ये बताऊंगा आपको कि किसी अभ्यास को तब तक दोहराइए जब तक आपका मन, आपका अवचेतन मन, आपका उपचेतन मन, सबकॉन्शस और अनकॉन्शस, उसे पूरी तरह अपनाकर उसे अपना स्वभाव न बना ले, तब तक अभ्यास को जारी रखना चाहिए। इस पर हम लोग आगे चल के विचार करेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होगा हमारी समस्त चर्चा का। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि ये नए युग का सूत्रपात है और युग परिवर्तन का है। परिवर्तन आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए, सब कुछ बदल रहा है, हमें भी बदलना होगा। और आप जानते हैं
कि समय किसी के हाथ में नहीं रहता, लेकिन जो लोग समय पर काम करना जानते हैं तो समय उनके साथ होता है, समय उनकी मुट्ठी में होता है। तो आप समय के साथ, समय के प्रवाह के साथ बहना शुरू कर दीजिए, और फिर आप देखिए जब आप समय के साथ बह रहे होते हैं तो समय फिर आपके साथ बह रहा होता है, क्योंकि आप समय को मुट्ठी में नहीं कर सकते, लेकिन समय के साथ जब आप चलते हैं तो समय आपके साथ हाथ मिलाता है। और जब दो मित्र एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं तो दोनों की पकड़ एक दूसरे पर पूरी हो जाती है, टाइम आपका और आप टाइम के साथ। तो पता लगा, कुछ चीजें छोड़नी है, कुछ चीजें जोड़नी है। और एक बात आप ध्यान रखिए, जो आपके दिल में घुसकर आपके हित के लिए, शुभ के लिए धीरे से कान में बैठकर कुछ बोल जाए और वो बहुत शुभ हो, तो ऐसी बात माँ बोले, पिता बोले, या गुरु बोले, या मित्र बोले, या हृदय में भगवान बोले, तो समझ लेना कोई बहुत अपना ही बोल रहा है। तो मैं बहुत अपना बन के ही आपको कुछ कह रहा हूं, तो सुनने की चेष्टा करना और समझने की चेष्टा करना, क्योंकि आप बड़े हो गए, अब आपको कौन समझाएगा। तो थोड़ा सा मैं सहायता कर रहा हूं, तो इसलिए ये करना कि खुद को खुद ही समझाने की चेष्टा करना, मदद मैं कर रहा हूं। आप खुद को खुद ही समझाएंगे, क्योंकि आप तो खुद ही दूसरों को समझाने वाले हैं, तो आपको कौन समझाएगा। इसलिए आप खुद को खुद ही समझाइए, मैं मदद कर रहा हूं। तो पहली बात मैंने आपसे कही, परिवर्तन का युग है, परिवर्तन का हम हिस्सा हैं, परिवर्तन हमें करना होगा, जीवन में परिवर्तन लाना होगा। शुभ के लिए तैयार हो जाइए, अशुभ को छोड़ने के लिए तैयार हो जाइए। देख लीजिए आपके पुराने पीले पत्ते कौन से हैं जिन्हें झड़ जाना चाहिए, और कौन सी नई कौंपले आपके जीवन में फूटनी चाहिए, उसकी आप क्या तैयारी करेंगे। विश्व में अनाथ समस्या भयावह है, भारत में अनाथ लावारिस बच्चों की संख्या 4 करोड़ से अधिक है। बेबस, लाचार, भोले बचपन को आपके प्रेम और सहयोग की जरूरत है। हम सूरत, गुजरात और कानपुर, उत्तर प्रदेश में 2 अनाथालय चलाते हैं। अत्यंत गरीब 1000 बालक बालिकाओं के लिए फरीदाबाद, हरियाणा में ज्ञानोदय विद्यालय, और झारखंड प्रदेश में नक्सली समस्या आतंकग्रस्त क्षेत्र में आदिवासी बालक बालिकाओं के लिए 2 स्कूल संचालित करते हैं। इस महान कार्य के लिए आपके आर्थिक सहयोग से इन बच्चों का भविष्य संवर सकता है। यदि आप विश्व जागृति मिशन के इन बाल विकास योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली 110041, दूरभाष 011-4710-4610-28-34-5656 और 28-34-47-67, टोल फ्री नंबर 1800-118188। जीवन संचेतना, लाखों पाठकों की बुद्धि को सचेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में। सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली